दोस्तों, आपने लोगों को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में मत्था टेकते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान को मोटरसाइकिल के सामने मत्था टेक कर अपनी ज़िंदगी की सलामती मांगते हुए देखा है? यदि नहीं देखा है तो राजस्थान ज़रूर जाइए। राजस्थान वैसे ही दुनिया भर के आश्चर्यों और रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर लोग बुलेट मोटरसाइकिल के सामने मत्था टेकते हैं। आपको बता दें कि मत्था टेकने वाले लोगों की जमात बहुत ही लंबी और पुरानी है। जी हाँ, इस मोटरसाइकिल के सामने न केवल आम लोग मत्था टेकते हैं, बल्कि उस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, यानी कि पुलिस वाले भी इस मोटरसाइकिल की खूब पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस मोटरसाइकिल में जो लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान प्रांत का है। राजस्थान से अहमदाबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाली नाम की एक जगह पड़ती है। पाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर रोहित थाना क्षेत्र में इस बुलेट मोटरसाइकिल का मंदिर स्थित है। इस पूरे मामले के पीछे एक पुरानी कहानी छिपी है। पाली शहर के पास चोटिला गाँव में सन 1988 में ठाकुर जोग सिंह रहा करते थे। उस समय उनके बड़े बेटे ठाकुर ओम सिंह राठौर भी वहीं रहा करते थे। ओम सिंह को पहले से ही बुलेट की सवारी करने का बहुत शौक था। शायद यही कारण था कि राजसी ठाट के चलते सन 1988 में उनके पास एक शानदार बुलेट थी। पाली इलाके के लोगों की माने तो उसी समय एक रात ओम सिंह उस रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे एक बड़ा पेड़ था जहाँ पर अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती थी। उस जगह पर ओम सिंह भी सड़क हादसे के शिकार हो गए, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद किसी राहगीर ने उन्हें सड़क पर पड़ा देखा। देखते ही वह ओम सिंह को पहचान गया, क्योंकि उस इलाके में उस समय दूर दूर तक लोगों के पास बुलेट नहीं हुआ करती थी। थोड़ी देर में बाद जंगल में आग की तरह फैल गई। खैर, सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उसने शव को कब्जे में लेकर मोटरसाइकिल को थाने भेज दिया। लेकिन चौंकाने वाला मामला तब हुआ जब सुबह को मोटरसाइकिल थाने से गायब मिली। इतना देख पुलिस वाले मोटरसाइकिल को ढूंढने निकले, जो कि उन्हें बीती रात हुई घटना के मौके पर ही पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मोटरसाइकिल देख पुलिस वालों की जान में जान आई और वह उसे दोबारा थाने लेकर आ गए। लेकिन अगली सुबह फिर वही घटना हुई और मोटरसाइकिल ठीक उसी पेड़ के नीचे पड़ी मिली। बार बार एक ही घटना होने के कारण पुलिस को भी यह मामला गंभीर लगा। बाद में पुलिस वालों ने स्थानीय ग्रामीणों से राय मशवरा कर इस बुलेट मोटरसाइकिल को पेड़ के नीचे ही एक चबूतरा बनाकर रख दिया। गांव वालों का मानना है कि ओम सिंह बहुत ही नेक इंसान थे। वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन प्रकृति की क्रूरता के आगे वह भी बेबस थे, जिसके कारण उन्हें इस हादसे का शिकार होना पड़ा था। गांव वालों की माने तो ठाकुर ओम सिंह आज भी रात को उसी पेड़ के नीचे आते हैं और उधर से गुजरने वाले लोगों को सुरक्षित घर भी पहुंचाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के कारण वहां पर कभी कोई सड़क हादसा भी नहीं होता, और यही कारण है कि गाँव वाले उनकी इस बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में ओम सिंह को मोटरसाइकिल के पास भी देखा है। इस कारण से इस बुलेट को आज बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता है और एक अरसे से इस बुलेट की लोग खूब पूजा अर्चना भी करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फ्रिंगो। धन्यवाद।